अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आए हुए हैं फार्म हाउस पे। मेरे बड़े भाई के दोस्त ने हमारी दावत की हुई थी, तो मैंने सोचा आज इसका व्लॉग बना लूँ। ये मेरा पहला व्लॉग है, तो आपने ज़रूर इसको देखना है। व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि आप देखें हमने सारा दिन वहाँ पे किस तरह से गुजारा है। तो चलिए देखते हैं। ये आप खूबसूरत सा फार्म हाउस का मंजर देखे हैं, बहुत ही पुरसकून जगह है। तो ये आपको जो पानी का तालाब नज़र आ रहा है, इसमें तकरीबन 7 किस्म की मछलियां हैं, जिसमें राहू, रेड स्नैपर, ग्रास और सिल्वर शामिल हैं। बाकी के तो मुझे नाम नहीं आते हैं। तो देखें यहाँ पे बच्चे मछली पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पे भाई फिश रॉड की हुक पे आटा लगा रहे हैं ताकि वो मछलियाँ खाएँ और ऊपर आ जाएँ। मेरे बेटे जिनको बिल्कुल नहीं पता फिशिंग कैसे करते हैं, एक मिनट दिखाना ना। ये ले हाँ, ये बस को ऐसे पानी में फेंक देना और खींच लेना जब राम राम से ना उसको थोड़ा थोड़ा आस्ता आस्ता खेलते हैं शायद उसको। जी यहाँ पे हो रही है फिश को पकड़ने की तैयारी। और फाइनली फिश आना शुरू हो गई है। आ गई आ गई। ये देखिए फिश आटा खा रही है, लेकिन अभी तक हुक में नहीं आई, उसका वेट हो रहा है। ये कब खींच के नीचे लेके जाएगी? भाई खींच ले, अब वो देखो लेके जा रही है। खींचो खींचो। 2000 years later. नो आ गई नहीं आई आगे। नहीं आई देखा। तो फाइनली हमें यहाँ पे लगा कि मछली कांटे में आ चुकी है, तो आगे आप भी देखें। ओह शापर। बहुत कोशिश कर रहे हैं बच्चे, लेकिन कोई मछली नहीं आ रही, कोई मछली नहीं आ रही। नाकाम नाकाम है सारे। रुक फुरकान, एक मिनट रुक जा। बड़ी कोशिश की बच्चों ने मछलियां पकड़ने की, खैर मछली तो नहीं बच्चे पकड़ सके, हमने बहुत वहां पे एंजॉय किया। तो खैर उन्होंने हमारे आने से पहले ही मछलियां पकड़ने वाला जाल लगा दिया हुआ था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मछलियां आ चुकी थी। फाइनली भाई ने काम कर लिया, एक मछली पकड़ ली है। जैसे ही मछलियों को निकालना शुरू किया तो सब बच्चे पास ही आ गए थे और जाल से मछलियों को निकाल के पानी वाले टब में डालते जा रहे थे। ये जो डिजाइनिंग वाली, ये कौन सी भला? नहीं 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 नहीं, ये जाल जाल सा बना हुआ। ये जाल वाली कौन सी? ये मेरे ख्याल से दोनों सेम नहीं 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 बिल्कुल नहीं। सिल्वर है एक, जो है ना वो ग्रास है। हाँ ये ग्रास वाली है, ये जो आप बता रहे हैं ये ग्रिल वाली है। हाँ देखा, ये बच्चों की दादो भी साथ आई हुई है पिकनिक मनाने के लिए। ब्लॉगर ब्लॉगर नहीं भाई, क्या बना रहे हैं आप? ये कीमा निकाल, इसका क्या करना है? ये इसके कबाब बन। अच्छा अच्छा, कौन से वाले? सीख कबाब। अच्छा ये मैरिनेट करने लगे भाई आप? जी। और यहाँ पे हो रही है खाना पकाने की तैयारी। खाने में बन रहा है यहाँ पे चपली कबाब है, चिकन का सालन है और साथ तवा फिश है। आज अबू बकर खाना खिलाएगा। वेरी गुड। इतने एक्सपर्ट की तरह धो रहे हैं भाई हैं। गुड है। मेरे भी बेटे ही हैं ना, बस वो भी ऐसे ही करते हैं मेरे साथ काम। गन ज्यादा डालना है, काम कम करना है। अच्छा आपने गरम मसाला डाला है, नमक डाला, ऑयल डाला है, बस है ना? बाकी लहसुन प्याज अंदर ही मिक्स हुआ हुआ है। हाँ जी हाँ जी, सब अजमीश भी।
आपकी बहुत गोल है, मेरी जरा काबले बर्दाश्त करके। अभी कच्ची है ये। ये है शेफ अबू बकर। वहाँ पे बन रहा है खाना और यहाँ पे साथ साथ सलाद की तैयारी हो रही है। खीरे मूलियाँ काटी जा रही हैं। मज़े मज़े की चटनियाँ मछली के साथ। ये फार्म हाउस की दूसरी साइड है जो कि ज़ेरे तामीर है। यहाँ पे कुछ जानवर थे, मैंने कहा चलें ये भी आपको मैं दिखा देती हूँ। ये दिक्कत है। ना कह रहे जो मछलियाँ पकड़ी थी यहाँ पे उनको पकाने की तैयारी हो रही है। और ये मछली को साफ़ किया जा रहा है देसी तरीके से, ईंट के ऊपर रख के। आप देख रहे होंगे कि अच्छी तरह से इसको साफ़ किया जा रहा है। और यहाँ पे हम सब खाना खाने लग पड़े थे। खाने में था मटन मंदी राइस, चपली कबाब, चिकन का सालन, तवा फिश और साथ में सलाद और चटनियाँ। सब खाना बहुत मज़े का बना हुआ था, जो बहुत चाहत और खलूस से बनाया हुआ था। और सबसे मज़े की बात, सब खाना लड़कों ने बनाया था, जिसे देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे वीडियो का एंड करती हूँ। अगर मेरा बनाया हुआ व्लॉग आप सबको पसंद आया है तो मेरे चैनल अहान फूड्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।